साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड बराबर 15 मीटर। और ध्यान देना, ये हमारे कहीं भी काम नहीं आ रहा है, पर वैसे क्यों बताया, क्यों दिया है, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि ये जो घोड़ा है ना वो अंदर अंदर खाएगा एक हिस्से में। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या चीज, लेंथ ऑफ रो, लेंथ ऑफ रो इन फर्स्ट केस, तो मैंने स्मॉल आर लिख के क्या कर दिया उसमें 5 मीटर, लेंथ ऑफ रो इन फर्स्ट केस आर बराबर 5 से बड़ा मानी, मैंने यहाँ पे आर मत मानो, ये दिक्कत नहीं है, खाली 5 करेंगे। सो बोलेंगे सो रेडियस ऑफ सेक्टर ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, अब यहाँ ब्रैकेट में आर लिख के 5 मीटर कर देना, यहाँ पे सो आ गया। अब बोलेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ रोप इन सेकंड केस और बराबर कितना है वो 10 मीटर, सो लिखकर रेडियस ऑफ सेक्टर ओ ए डैश सी डैश बी डैश और ब्रैकेट में कैपिटल आर लिख के 10 मीटर, ठीक है, और एंगल ऑफ बोथ सेक्टर्स, तो ये दो सेक्टर्स हैं, इन दोनों का जो एंगल थीटा मान लिया वो कितना है 90 डिग्री, क्यों है तुम्हें यहाँ पे देना कारण, बिकॉज ईच एंगल ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर इज 90, ये हमें कारण दे दिया, ओके। अब जो फर्स्ट केस है हमारा, जो हमारा फर्स्ट केस लिखा हुआ फर्स्ट केस, उसे पढ़ो क्या लिख रहा है, पढ़ना क्या है फर्स्ट केस में, हाँ तो ये लाइन तुमको यहाँ पे लिख देनी है फर्स्ट वाली, कैसे लेंगे डाल देना, जो पूछा जो पूछता है ना वो यहाँ आना चाहिए, हम बोलेंगे फर्स्ट में द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द बोलते हैं इन विच, बात कर दो फिर वाली, इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कैन ग्रेज बराबर, ध्यान देना, तो पहला केस में ये हमारा चल रहा आर पांच, तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे बराबर लिख के एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, जानेंगे यहाँ पे क्या आएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, तो ये ओ ए सी भी है, ओ ए सी भी है, ये कितना कितने में घास वो खाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, अब पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.14, अब यहाँ जो पाई की वैल्यू है वो तो मैं 3.14 मान लूँगी, आर कितनी है 5 × 5, ये 90 और नीचे कितना आ गया 360 डिग्री, 90 से ये तो गए 4 बार और ये गए 2 बार और ये गया तुम्हारा 1.57 टाइम्स, ओके। अब मल्टीप्लाई करनी है बस, 5 5 जा अपॉन टू को आ जाएगा 5 5 25, तो 1.57 में 25 मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना ये जो मैं तमाम डिटेल दी तुम अपने वैसे कर लेना, तुम्हारे 5 2 और 9 और 3, तो 3 9 2 5 अपॉइंट कहाँ पर आएगा 2 से पहले 1.57 में 2 डिजिट पॉइंट के बाद, तो ये अब डिवाइड 2 से कर दो, 2 बन गया 2 9 जा 8.26 जा और 2 2 जा 4 2 5 जा, अब ज़्यादा करते हो 19.5 गायब कर दो, 5 गायब हो जाएगा तो ये बन जाएंगे 3, तीसरा पॉइंट जो नंबर 3 में आ रहा है 5 हुए 5 से फालतू, तो अगले वाले में 1 ऐड कर जाएगा, इतने सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर इतने मीटर स्क्वायर को घास चलेगा। अब आ जाओ इस पे सेकंड पार्ट, इस पे क्या कह रहा है वो, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप हो गया 10 मीटर लॉन्ग, कितना इस एरिया में कितना एरिया और बढ़ेगा अगर रस्सी की लंबाई कितनी हो जाए 10 मीटर। अब सबसे पहले
डाल रहे हैं सेकंड केस। सेकंड केस कैसे करेंगे, सबसे पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डैश सी डैश और बी डैश, पहले निकालेंगे इसका एरिया क्या बन जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके अब बराबर इसके बाद यहाँ पहुँच रहे हैं, तो पाई कितना है 3.14 और ये कितना हो गया 10 और 90 डिग्री का एंगल अपॉन में 360। फिर गया ये चार बार, दो से गया ये दो बार, दो से गया 1.57, दो से गया ये पाँच बार, ये तो आ गई जीरो। यहाँ पे पाँच तक कर लो मल्टी, पाँच से 35 और ये आगे 70 है, पॉइंट कहाँ पर आएगा दो से पहले, तो ये तो काट दो या कोई दिक्कत है मन काट दो। इतने मीटर मतलब ध्यान देना गौर से, ओ ए डैश सी डैश बी डैश ये पूरा पूरा एरिया ये इसका आ गया है, ओ ए डैश सी डैश और कितना बड़ा, तो इसमें से हम कम कर देंगे किसका एरिया, ओ ए सी डैश बी का। अब तुम्हें इतना करना है, वैसे यहाँ पे सो लिख के सो रिक्वायर्ड इंक्रीज एरिया, इंक्रीज रिक्वायर माने पूछा गया, क्या पूछा गया वो हमारे सवाल में वहाँ पर लो, टाइम बचाना हो तो कहें रिक्वायर्ड, तो कैसे बोलेंगे ध्यान देना, एरिया और देखो एरिया ऑफ मत लिखो, ऐसे करो ए आर ब्रैकेट में सेक्टर ओ ए डैश सी डैश बी डैश माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, पसंद आ गई संकेत है सही है बोलिए, लिखते मैं तुम्हें ऐसे। अब बता एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डैश सी डैश बी डैश कितना आया था 78.5, माइनस में याद कर देंगे इसको, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी कितना है 90.6। जब इन्हें कम करेंगे 10 में ये 7 यहाँ पर रहेंगे 4 ये बच के 8 और यहाँ पर रहेंगे 7 ये बच के 8 और यहाँ बच के 5, इतना मीटर स्क्वेयर हमारा एरिया बढ़ जाएगा।